हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग प्यारे बच्चों। ड्राइंग में आज सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे साथ काम करने वाले हैं और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे साथ काम करेंगे आज इस पेज पर। टॉपिक है हमारा अ पेयर ऑफ फिश। जो आप फिश देख रहे हो प्यारे बच्चों, वो फिश थोड़ा सा सेमी सर्कल शेप में देख रहे हैं ना, अपर साइड कर और लोअर साइड कर, दोनों ही फिश इसी तरीके से हैं बच्चों। और इसमें कलर्स भी बहुत ही प्यारे हैं। इसके लिप्स का शेप वो भी सेमी सर्कल में है, आईज सर्कल में है। और बच्चों आप जानते ही हो कि हमारी फिश जो है वो कहाँ होती हैं, वाटर में होती हैं। तो उसके साथ साथ हमने पूरा कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर वाटर दिखाया है, बबल्स दिखाए हैं, इसी के साथ साथ कुछ हमने यहाँ पर बुशीज भी दिखाई हैं। सेम पैटर्न यहाँ पर है, तो बच्चों उस पैटर्न को ही हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग अपने काम को, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अ पेयर ऑफ फिश। और यहाँ पर आप देखिए ना, कितने सारे कलर्स लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको कलर समझा दूँ। देखिए इस फिश में यहाँ पर पिंक कलर है, इसके फेस में येलो और इसके फिन में हम येलो या दूसरा कलर भी हम लगा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरी हमारी फिश में ब्लू, रेड, थोड़ा सा पिंक ले सकते हैं या फिर पर्पल कलर ले सकते हैं। और पानी के लिए, वाटर के लिए ब्लू कलर, और यहाँ पर जो वाटर बुशीज हैं यहाँ पर हम ब्लू ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कलर करके बताती हूँ बेटे, क्या करना हमें कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस फिश में करने के लिए रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग स्टार्ट करिए काम को। ऑयल पेस्टल कलर है आपके पास, जो भी कलर हो बचे वही आप यूज़ करेंगे। और बहुत ही आराम से, जैसा कि मैं आपको हर बार ये बात बताती हूँ कि आप बहुत ही पेशेंसली काम करिए, सॉफ्ट हैंड चलाइए। जितना ज़्यादा सॉफ्ट हैंड होगा आपका काम उतना ही सुंदर लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर फिश में रेड और इसके फिन में येलो कलर का यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर ऑरेंज लगा हुआ था तो थोड़ा सा शेडिंग पार्ट आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसी तरीके से ये जो कलर हमने आपको बताए थे वो हमने स्टार्ट किए और ये इसको, इस फिश को कंप्लीट किया। सेम अब हम दूसरी फिश में कलर कर रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ बराबर काम करते रहिए। फिश राउंड शेप में है थोड़ा सा, तो आप अपने हाथ की मूवमेंट को राउंड शेप में ही रखेंगे। इसके बाद रेड कलर लगाते हैं इसके फेस में। तो बच्चों यहाँ पर हम वाटर में कलर कर रहे हैं और हाथों की मूवमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरे में हमें कलर नहीं करना है। जहाँ पर हम कलर लगा रहे हैं थोड़ा सा टाइट हैंड रख रहे हैं, जिससे अपने आप ही शेडिंग बन रही है। इसी तरीके का ब्लू कलर आप यहाँ पर ऊपर भी करेंगे, जो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर बुशेज में, थोड़ा सा शेडिंग देते हुए।
ये हमारा यहाँ पर पूरा हुआ है लीफ वाला पार्ट। उसके बाद इसकी आउटलाइन करते हैं हम लोग शुरू। हमारे साथ साथ आप भी आउटलाइन करिए। देख रहे हैं ना बच्चों किस तरीके से आउटलाइन करनी है हमें। इसी तरह से आप इस पूरे ड्राइंग की आउटलाइन बनाएंगे। बच्चों यहाँ पर इस पूरे कंपोजिशन में हमारा कलरिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर आउटलाइन शुरू की थी तो उसी लाइन को अब हम आगे भी पूरा कर रहे हैं। साथ साथ आप हमारे पूरा करिए इसको और बहुत ही ध्यान से आउटलाइन करेंगे। हाथ को बार बार उठाना नहीं है। हाथों की मूवमेंट पर फिर ध्यान दीजिए। और इस तरह से हमारा ये फिश कंपोजिशन कंप्लीट होने जा रहा है। इसी तरह से बच्चों आप बनाएंगे इसे और इसकी सुंदर सुंदर आप हमें पिक्स देना बिल्कुल मत भूलिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा काम अधूरा है या कलरिंग प्रॉपर नहीं आई है तो वहाँ पर आप इसे पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों ये हमारा आज का काम कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर से कुछ और प्यारी सी चीज़ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय प्यारे बच्चों।